उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मतगणना से पहले पुलिसकर्मियों को पढ़ाया गया निष्पक्षता ईमानदारी का पाठ। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अफसरों कर्मियों को किया ब्रीफ। एसपी बोले, मतगणना केंद्र को 17 जोन 44 सेक्टर में बांटा, विशेष परिस्थितियों के लिए 2 सुपर जोन भी बनाए। क्यूआरटी सहित सीएपीएफ और पीएसी को भी सौंपी गई सुरक्षा कमान। एसपी का कहना, शांतिपूर्वक मतगणना कराने को चप्पे चप्पे पर रहेगा फोर्स। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही एसपी ने। 4 तारीख को मतगणना है। मतगणना के दृष्टिगत जनपद कन्नौज में पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया। मंडी परिसर में काउंटिंग होनी है। पूरे क्षेत्र को 17 जोन 44 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें 2 सुपर जोन बनाए गए हैं, जिसमें मंडी परिसर की अलग ड्यूटियाँ हैं और बाहर के ट्रैफिक व्यवस्था की अलग ड्यूटियाँ लगाई गई है। लगभग 1000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 कंपनी CAPF और 1 कंपनी PAC का भी व्यवस्थापन किया गया। इसके अलावा QRTs बनाई गई है, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगी। मंडी परिसर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में विभिन्न जगह बैरियर्स लगाए गए हैं, जो किसी भी प्रकार से अनधिकृत व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा, नहीं भीड़ का जमावड़ा होने दिया जाएगा। और लोगों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने पूर्व में ट्रैफिक डाइवर्जन जो प्लान है उसके भी बताया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, आम जनता को असुविधा ना हो। और आज हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं अपने फोर्स की, ताकि सभी लोग अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे सजगता से ड्यूटी करेंगे। और हम लोगों ने पूरी तैयारी करी है, सकुशल मतगणना के कार्यक्रम को पूर्ण कराया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।